टू माया पुरिकट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। खबर है कि अपकमिंग सीक्वल फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं और साथ ही वो इसमें खास भूमिका निभाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि एक असल शख्सियत की भूमिका पर्दे पर करने के लिए दिलजीत बेहद ही एक्साइटेड हैं और जल्द ही वो अपने इस किरदार की तैयारी में भी जुटने वाले हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने हाल ही में एक नई गाड़ी खरीदी है। इस ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स कार की कीमत 2.55 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। वहीं कुंद्रा का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें अपनी नई गाड़ी में घूमते हुए देखा जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और समांथा रूथ प्रभु स्टारर मोस्ट अवेटेड प्राइम वीडियो सीरीज सिटाडेल हनी बनी की रिलीज डेट का 1 अगस्त को ऐलान हो गया है। इसी के साथ सीरीज से वरुण और समांथा का एक धांसू पोस्टर शेयर करते हुए टीजर भी जारी किया गया है। टीजर में वरुण और समांथा को गोलियां बरसाने के साथ साथ फुल ऑन एक्शन मोड में देखा जा रहा है। जानवी कपूर की उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची चला दी है। दरअसल फिल्म से कई आपत्तिजनक सीन्स हटाने के लिए CBFC ने ऑर्डर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में यूज की गई कुछ अंग्रेजी गालियों को बीप किया गया है और इन सब चेंजेस के बाद उलझ का रन टाइम 134 मिनट रह गया है। काजोल ने हाल ही में अपनी पहली फिल्म बेखुदी से एक पुराना थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सैफ अली खान के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए काजोल ने इसके कैप्शन में लिखा, बेखुदी को 32 साल पूरे हुए। मैं इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी भी वही कंसर्न और कॉन्फिडेंस से भरी हुई हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बीती रात अपने पति जहीर इकबाल के साथ डिनर डेट के लिए निकली थी और यहाँ पैपराजी ने उन्हें जैसे ही भाभी कहकर बुलाया तो वो शर्मा गई। बता दें कि इस दौरान सोनाक्षी ग्रे बॉडीकॉन ड्रेस और डेनिम जैकेट में नजर आ रही हैं, तो वहीं जहीर एक कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये वीडियो भी इंस्टा यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। अरबाज खान को बीती रात अपनी बेगम शूरा खान के साथ स्पॉट किया गया था। इस दौरान दोनों ही प्यार से हाथों में हाथ डाले चलते नजर आ रहे हैं और साथ ही इस दौरान अरबाज ऑरेंज टी शर्ट और डेनिम जीन्स में दिखे, तो वहीं शूरा एक व्हाइट बैकलेस जंप सूट में काफी क्लासी लग रही थी। वहीं फैंस को शूरा और अरबाज का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है और वो इस पर जमकर कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। उर्वशी रौतेला लाइमलाइट बटोरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं अपने एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में उर्वशी ने पेरिस से एक वीडियो शेयर किया है और उसके कैप्शन में लिखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 द्वारा ऑफिशियल रूप से इनवाइट की जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। अब इस पोस्ट के बाद से ही नेटिजंस एक्ट्रेस की इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पेरिस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस दौरान राधिका ऑरेंज कलर की क्यूट ड्रेस में नजर आ रही हैं, तो वहीं अनंत एक जंगल प्रिंट शर्ट में नजर आ रहे हैं और दोनों को अपनी कार में बैठकर होटल से बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर के तलाक के मंजूरी देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के अनुसार कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण सही नहीं था और फिर व्हाट्सएप संदेशों की जांच भी की गई थी जिसमें पाया गया कि कपूर को अपने बेटे से मिलने और बात करने की भी इजाजत नहीं दी थी। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।